क्वेश्चन कर रहे हैं कि एट ए सर्टेन रेट ऑफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली जो कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज है कि किसी सर्टेन रेट के साथ एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है तो आपको बताना है कि सम ऑफ अमाउंट यानी कि दो साल में कोई अमाउंट है दस हो रहा है और तीन साल में ग्यारह हो रहा है तो आपको बताना है कि इसका सम क्या होगा देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो सी होता है वो जी के फॉर्म में इंक्रीज़ होता है क्या होता है जीपी के फॉर्म में इंक्रीज़ होता है तो हम कर सकते हैं यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे थर्ड ईयर का और सेकंड ईयर का तो यहाँ से ग्यारह नौ सात नौ का रेशियो हम ले लेंगे तो दस आठ नौ जीरो देखिए काट के देखेंगे ग्यारह से कटेगा एक कटेगा जीरो कटेगा और आठ कटेगा ये नौ कटेगा यहाँ से देखिए ग्यारह नौ निन्यानबे और फिर नौ फिर ग्यारह से कटेगा ये कटेगा कितना बार में नौ और फिर नौ कटेगा ये कटेगा कितना बार में नब्बे और फिर नौ से कटेगा ना ये और ये फिर दस तो हमारा जो रेशियो आया कितना है ग्यारह रेशियो कितना है आपका ग्यारह रेशियो दस है कितना ग्यारह रेशियो दस है दूसरे वर्ष दूसरे वर्ष और पहले वर्ष का अनुपात कितना है आपका यानी कि जो रेशियो आया था सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का रेशियो कितना है ग्यारह अनुपात दस है और वर्ष पहले पहले वर्ष और जो इनिशियल वर्ष था उसका भी रेशियो यही आएगा आपका ग्यारह अनुपात दस ही आएगा ग्यारह अनुपात दस ही आएगा इसी फॉर्म में आएगा तो यहाँ से हम सम निकालेंगे तो सम क्या होता है सम निकालने के लिए क्या करेंगे पहला जो ईयर है आपका जो ईयर है ना आपका पहलायर है इसको हम लिखेंगे दस आठ सौ नब्बे इंटू अब नहीं लिखना है दस बटा लिखना है से कितने बार में जाएगा बार्बे बार में जाएगा और ये हो जाएगा कितना आपका नौ हजार रुपये क्या नौ हजार रुपया आ जाएगा जो आपकी राशि होगी कितनी होगी वो राशि कितनी होगी नौ हजार रुपये होगी तो इस तरीके से निकालेंगे देखिए अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसको कैसे समझाया बताया जाए देखिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत समय लग जाएगा तो इसलिए आपको सबसे पहले अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए नहीं तो एक बार आप मैं चाहूँगा कि अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपका डाउट सॉल्व करने के लिए बैठा हूँ अगर कोई क्वेश्चन पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है तो उसके लिए मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आप पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखकर अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं देख सकते हैं कि कैसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो कैसे बन रहा है आई होप आपको जो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा